लोग क्या सोच रहे हैं इस हुकूमत के बारे में, जो क्रिमिनल कैबिनेट है, जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान पे इम्पोज की गई है, जो पाकिस्तान को खा रही है, जिसका प्राइम मिनिस्टर 16 अरब का मनी लॉन्डरर है, जिसका बेटा मनी लॉन्डरर है, दे आर क्रिमिनल, दे मस्ट बी, वी मस्ट गेट रिड ऑफ दीस पीपल। एक प्रोपेगेंडा कैंपेन बड़ी चली है और उस प्रोपेगेंडा कैंपेन की वजह से जो इफेक्ट आ रहा था वो पाकिस्तान के इदारों पे बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो देखिए जो फैमिलीज आई हैं, जो लोग आए हैं, पाकिस्तान के हर तबका है ज़िंदगी से मरने वाले लोग नज़र आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूँ एहतशाम रहमान। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के दिफाई अमूर एक्सपर्ट, पाकिस्तान की नामवर शख्सियत, नामवर दिफाई तजिया का जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ान साहब का कंटेनर पीछे खड़ा हुआ है और ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर है। हम ब्रिगेडियर साहब से बहुत सी बातें करना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे, अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके? दुआ आपकी अल्लाह। आप भी खान साहब के मार्च में शिरकत के लिए आए? जी, मैं दो 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 मकसद हैं। आपको पता है कि हम भी थोड़ा सा मीडिया पे आते जाते रहे। एक तो वो कहते हैं ना, सीन इज़ बिलीविंग। तो आपको जो खबर आप दे रहे हैं, जिस चीज़ पे आप कमेंट कर रहे हैं या जिसके आप तजिया कर रहे हैं, उसको आप अपनी नज़र से देखें तो वो हकीकत पे मबनी होता है। तो एक तो ये मकसद है। दूसरा, साफ जाहिर है जिस तरह ये मार्च चल रहा है और जैसे पहले भी हमने आपसे बहुत आपके साथ तो रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर एक हकूमत है, जो क्रिमिनल कैबिनेट है, जिसके अंदर आपको पता है पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और 75 कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं और इसके हिसाब से जिस तरह वो सला रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान की मायशी हालत है, तो उसमें ज़रूरत है इस अमर की कि पाकिस्तान को इस किस्म के करप्ट लोगों से और इस किस्म की जो कैबिनेट है उससे निजात दिलाए। अब वो किस तरह होगा? वो लोगों की पार्टिसिपेशन से हो सकता है, वो लोगों के जज्बात से हो सकता है। जब लोग बाहर निकलते हैं तो वो अपना एक इंडिकेशन देते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो बस ये चीज़ है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक क्वेश्चन मुझे भी समझ नहीं आई। आप माशाल्लाह पाक फ़ौज में आपने सारी ज़िंदगी गुजारी है, कल हमने एक तारीखी लम्हा देखा। मैं जब से बचपन से जवान हूँ, मैंने ऐसा मंजर नहीं देखा था, आपने भी नहीं देखा होगा। दो DG पाकिस्तान की आम तरीन शख्सियात एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो एक सियासी जमात के हवाले से ही गुफ्तगू को फोकस करती हैं। आप फ़ौज से ताल्लुक़ है आपका, रहा है, क्या कहना चाहेंगे, ये कैसा मामला हुआ? नहीं, वो एक बड़ी, मैं कहूँगा, डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें सिर्फ एक पार्टी नहीं, दो चीज़ें। देखे, मैंने आपसे, आपके साथ बड़े प्रोग्राम किए और मैंने आपको हमेशा कहा कि पाकिस्तान एक बड़ी टिपिकल किस्म की हाइब्रिड वॉर से गुजर रहा है। एक प्रोपेगेंडा कैंपेन बड़ी चली हुई है। वो प्रोपेगेंडा कैंपेन हमारे लोग नहीं करते, वो हमारे लोगों को बाहर की पार इस्तेमाल करती है। और उस प्रोपेगेंडा कैंपेन की वजह से जो इफ़ेक्ट आ रहा था वो पाकिस्तान के इदारों पे बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो इस अमर की ज़रूरत थी कि कोई शख्स आके अदारों के भी पॉइंट ऑफ, क्योंकि आपको याद है DG ISPR ने इससे बहुत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उनसे एक सवाल हुआ था कि जी आपके ऊपर इतने सवाल उठाए जाते हैं या आपके ऊपर तंज होता है तो आप उसका जवाब क्यों नहीं देते। तो उन्होंने कहा था जी आप हमारा जवाब हैं। उन्होंने मीडिया को एड्रेस करके कहा था कि आप हमारा जवाब, हम हर चीज़ का आके जवाब नहीं दे सकते। एक तो वो एंगल था। दूसरा, ये याद रखिएगा कि कोई शख्स जो इसने 30-32 साल यूनिफॉर्म पहली हो, जैसे DG ISPR, मेरा ख्याल एक बड़ेपन का मुजाहरा किया, उसने कहा कि जी हम अपनी गलतियां कबूल करें, हमसे गलतियां होंगी लेकिन हम एंटी स्टेट नहीं। एक तो ये था। दूसरा ये था कि चीज़ें एक इस्टेब्लिशमेंट अपने हिसाब से कंसीव करती है। मैंने आपसे कहा कि लोगों की रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होती है और वो अगर सामने आएगी तो साफ जाहिर है कि जो लीडरशिप होती है फिर वो उसका भी इदराक रखती है। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जी थी, एक तो अरशद शरीफ की डेथ के हवाले से, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, बड़ा डेडिकेटेड, बड़ा डिवोटेड, बड़ा आउट ऑफ द वे, बड़ा एक वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। उसके ऊपर मैंने अपना वीलॉग किया था, उसमें मैंने कहा था कि खुदा के वास्ते उसकी डेथ पे क्यास आ रही है ना करें। डर की, दुख की बात यह है, हर बंदा जेम्स बॉन्ड बना हुआ है, वो हर अपने, तो वो चीज़ों को क्लैरिफाई करना। आपके का कहना ये कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं, बहुत चाहिए, लेकिन आप समझते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो न्यूट्रल, जानवर, गद्दार, मीर जाफर, मीर सादिक के अलकाबात इस्तेमाल करती है, उससे परहेज़ करना चाहिए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं तो बड़े अरसे से एडवाइस करता हूँ, बहुत सारे लोगों को एडवाइस करता हूँ, खान साहब को भी एडवाइस, मैंने उनके बहुत से करीबी सर्कल्स को हमेशा एडवाइस किया कि जी आप जो भी बातचीत करें, देखिए बेसिकली भी एक एजुकेटेड बातचीत जो होती है ना, इट शुड बी विद इन द लिमिट ऑफ द सिविलाइज्ड मैनर। तो उसमें अब आप किसी को अगर टारगेट करेंगे
तो वो फिर आप खुद ही रिटेलिएशन। बिल्कुल सही, हमारे पास वक्त कम है सर, आखिर में बताएगा आज़ादी मार्च कामयाब होने जा रहा है, मुल्क में नए इंतखाबात हुए देख रहे हैं? मैं यहाँ पे इसीलिए यही देखने के लिए, आप भी यही देखने के लिए हैं। तो देखिए जो फैमिलीज आई हैं, जो लोग आए हैं, अब आपको यहाँ पे पाकिस्तान की हर तबका है ज़िंदगी से मरने वाले लोग नज़र आए। ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि लोग क्या सोच रहे हैं इस हकूमत के बारे में, जो क्रिमिनल कैबिनेट है, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान पे इम्पोज की गई है, जो पाकिस्तान को खा रही है, जिसका प्राइम मिनिस्टर 16 अरब का मनी लॉन्डरर है, जिसका बेटा मनी लॉन्डरर है, जिसका स्पीकर जो है उसके ऊपर चार्जेज हैं। इन्होंने सिर्फ आके अपने आप को बचाने के लिए नैब के कवानीन ख़त्म किए, तो उसका मतलब है कि दे आर क्रिमिनल, दे मस्ट बी, वी मस्ट गेट रिड ऑफ दीज पीपल। बहुत शुक्रिया खान साहब आने वाले, थैंक यू वेरी मच। मुलायजा फरमाई, और यकीनन उनका ये कहना है कि आज़ादी मार्च जो है वो उसमें रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ हो जाता है देख रहे हैं। शाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।